हॉस्पिटल में कुछ इस तरह से दिखा सई और विराट का क्यूट रोमांस, जिसे देखने के बाद जल भुन गई पाखी। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट। गुम है किसी के प्यार में इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक पर चल रहा है, जहां पर आप देख रहे हैं कि जो सई है वो बहुत सारी हिम्मत के साथ गुंडों का मुकाबला करती है, तो वहीं पर विराट भी आ जाता है। विराट भी गुंडों का मुकाबला करता है, सबकी जान बचाता है, और ये मोमेंट बहुत ही प्यारा होता है, जहां पर सई जो है वो बहुत खुश होती है विराट को देखकर। विराट के लिए बेहद परेशान होती है सई। यहां पर विराट जो है वो सई को देखकर बहुत खुश होता है, साथ ही साथ पाखी भी सुरक्षित रहती है ये देखकर जो विराट है वो बहुत खुश होता है। कुल मिलाकर विराट भी बहुत खुश है, साथ ही साथ सई भी बहुत खुश है। इसी बीच जो सई है वो विराट को देखकर फटाफट से जाती है, अपना बैग खोलती है। यहाँ पर पाखी जो है ये देखकर घबरा जाती है कि कहीं सई के हाथ वो रिपोर्ट ना लग जाए। हालांकि यहाँ पर इस वक्त तो सई के हाथ में वो रिपोर्ट नहीं लगी है। यहाँ पर जो विराट है वो आप देख सकते हैं विराट को लेकर आती है, यहाँ पर विराट को खिलाती है चॉकलेट, उसका मुंह मीठा कराती है और साथ ही साथ जीत के लिए उसको बधाई देती है कि आपकी जीत हुई। और ये देखकर जो विराट होता है वो बहुत इमोशनल हो जाता है, और विराट भी सई को चॉकलेट खिलाता है, चॉकलेट का एक टुकड़ा खिलाता है और फिर उसे कहता है कि तुम्हें भी मुबारक हो ये जीत। और फिर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, बहुत ही प्यारा सा मोमेंट नज़र आता है। ये मोमेंट देखकर यहाँ पर जगताप जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एकदम इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि जो जगताप है वो जो है वो सई को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। यहाँ पर जब वो देखता है कि सई और विराट ऐसे एक हो रहे हैं तो ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और आपको बता दें कि जगताप ने जाते जाते ये चीज़ बोला ही था कि अगर कुछ ज़रूरत पड़े सई ज़िंदगी में करने के लिए तो मुझे ज़रूर याद करना, अगर मैं हो सके तो तुम्हारी कभी तो मदद करूँगा। ये सुनकर सई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर जगताप भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके साथ ही साथ बात करें यहाँ पर पाखी की, तो जब देखती है पाखी सई और विराट इतना अच्छा मोमेंट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, तो उसे बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर जो भवानी है वो पूछती है पाखी से कि तुम ठीक हो ना, जिसके बाद पाखी कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फिर वो अजीब गरीब हरकतें करती है। इसके बाद आपको बता दें कि सई के हाथ पाखी का रिपोर्ट लग जाता है और पाखी का सारा काला चिट्ठा सामने आ जाता है सई के, लेकिन फिर भी सई ये बात जो है वो भी घर वालों को नहीं बताती है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से पाखी जो है वो अभी भी सरोगेसी वाला सीन करती नज़र आने वाली है। यहाँ पर सई जो है अभी फिलहाल चुपचाप है, सई की प्रेगनेंसी भी हो रही है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आगे आने वाला ट्रैक कितना धमाकेदार होने वाला है, जहाँ एक तरफ सरोगेसी वाला ट्रैक तो अभी ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी सरोगेसी वाले ट्रैक के नाम पर लगातार जो पाखी है वो सीन क्रिएट करने वाली है। अब ये सब कुछ देखकर सई कैसे उसका भंडाफोड़ करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ सई और विराट की जो प्यारी सी केमिस्ट्री है वो अच्छे से कब देखने को मिलेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जो विराट है वो पाखी पर काफ़ी ज़्यादा बरसने वाला है, उसके लिए बड़ा एक्शन लेता नज़र आने वाला है। जब पाखी का सच जो है वो विराट के सामने आएगा तो वो कभी भी पाखी को माफ़ नहीं करेगा। तो वहीं पर इसी सच से बार बार डर रही है पाखी, क्या करने वाली है अब देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल विराट और सई की क्यूट केमिस्ट्री एक बार फिर से दिखी, और ये देखकर फैंस हो गए बहुत खुश, क्योंकि लगातार सई विराट को फैंस देखना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।